बोल जीनी दीदी, आप इतने दिन बाद पढ़ने बैठे हो, आपको कैसा लग रहा है? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे दिन में ना 25 से 30 घंटे तू ही पढ़ती है। अब दांत दिखाना बंद कर और पढ़ ले, नहीं तो अगर फेल हुई ना तो घर में बैठी बैठी घंटी बजाए रखेगी। घंटी? हाँ तो? अरे ध्वनि बाहर घंटी बज रही है। आपको सुनाई दी? हाँ हाँ तो जाओ खोल के आओ। एक काम नहीं हो सकता है इस लड़की से। अरे यार पड़ोसियों के बच्चे भी ना आजकल घंटी बजा के भागने लग गए हैं। अरे ये क्या है? बिन बुलाया मेहमान तो सुना है पर बिन मंगाया गिफ्ट नहीं सुना। चलो इसे अंदर चल के खोलती हूँ। अरे वाओ कितना सुंदर फोटो फ्रेम है, इसमें तो मेरी फोटो लगेगी। चलो मैं अपनी फोटो लेके आती हूँ। मैं तो अपनी बर्थडे वाली फोटो लूंगी। वाओ इस फोटो फ्रेम में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इसे कहाँ लगाऊं पर मैं? यहाँ पे लगाती हूँ। वाओ इस फोटो फ्रेम में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तुम्हारे कान बज रहे हैं, किसी ने आवाज नहीं दी। ऐसा है बच्चे दुनिया के किसी कोने से भी आवाज दे माँ को सबसे पहले सुनाई देती है। अच्छा इसमें तुम्हें तारीफ समझू या बीमारी? आप कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकते? अच्छा अगर बात कानों की है ना तो मैं इसमें ना एक बात ऐड और करना चाहूंगा। पूछो क्या? क्या? कि हम मर्द लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, लेकिन तुम औरतें दोनों कान से सुनते हो और मुंह से निकाल देते हो। औरतों के ना पेट में ना कोई भी बात तो पचती नहीं है। एक औरत को बताओ और तुम लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है शाम तक। अरे क्या हुआ ध्वनि? मम्मी पापा जिंदगी पूरे घर में नहीं मिल रही मुझे। क्या? हाँ तो गई होगी किसी अपने दोस्त के पास। मम्मी पापा मैं जिंदगी को पूरे 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ। क्या क्या हुआ मेरी जिंदगी को? अरे तुम टेंशन मत लो,
आ जाएगी वो। ऐसे कैसे आ जाएगी, कहाँ है ये पता भी है? ध्वनि, आपने उसे लास्ट टाइम कब देखा था? बताती हूँ पापा, बताती हूँ, रुको। फिर भगवान, मेरी जो टिकट नैप हो गई, कॉल ले गया उसको, ढूंढो उसको जाके। मैं कह रही थी ना, मेरे कानों में भी उसकी आवाज आ रही है। अरे ऐसा तुम लोग इतना उल्टा सीधा मत सोचो, हो सकता है वो ध्वनि साहब को प्रैंक कर रही हो। चलो उठ कर देखते हैं, चल के पीछे जल्दी देखो, चलो नीचे चल के देखते हैं। अरे कांगड़ी जितनी, कांगड़ी जितनी, कांगड़ी, अरे कांगड़ी जितनी जितनी, कहाँ है तू, कहाँ है जितनी? अरे कांगड़ी जितनी, मुझे क्या पता कांगड़ी जितनी। मम्मी मुझे बाहर निकालो, मैं इस फोटो फ्रेम में हूँ। मम्मी पापा ध्वनि मम्मी। अरे मम्मी पापा भी जितनी, दीदी को कबीर अंकल अरे कबीर अंकल कैसे ले जाएंगे, वो तो जेल में चक्की पीसिंग है, पीसिंग है, पीसिंग। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं सोच रहा हूँ मैं ना जिन्नी के फ्रेंड्स को कांटेक्ट करता हूँ। पर लेकिन कहीं कहाँ है जिन्नी? तुम तो बड़ा कहेंगी कि बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में हो, माँ को पता चल जाता है। आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है? मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ इस फोटो फ्रेम में, मुझे बाहर निकालो। मम्मी पापा। अरे उसको आ जाएगी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? कहाँ गई है? अरे हो सकता है अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई हो। मैं क्या कमाल करता हूँ? अरे यार ये घर वाले ना पूरे घर में ढूंढ लेंगे, पर इस फोटो फ्रेम के अंदर कोई नहीं देखेगा। सुना था दीवार के कान होते हैं, काश मुंह भी होते हैं। ये तो बता पाते मम्मी पापा को कि मैं यहाँ पे इस फोटो फ्रेम के अंदर हूँ। अब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ उसके सारे फ्रेंड से कॉन्टेक्ट तो करो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं जा रहा हूँ जरा और इसके फ्रेंड से कॉन्टेक्ट करता हूँ, ठीक है? जल्दी करो, जाओ जल्दी जाओ। मम्मी अगर जिंदगी हमेशा के लिए नहीं आई तो? बेटा आएगी कैसे नहीं, क्यों कहाँ गई होगी, वो जरूर आएगी। वैसे आपने उसको अच्छे से ढूंढा था अंदर रूम में? हाँ, कहाँ गई, चल अंदर चलते हैं। मम्मा चिन्नी दीदी कब आएंगी? आएगी बेटा आएगी, चल मैं पापा से ही पूछती हूँ कहाँ पर है जिन्नी, ना मिली नहीं मिली। हेलो वैष्णव। हाँ जी, नहीं मिली क्या? अरे नहीं, वो अपने किसी भी फ्रेंड के घर में भी नहीं है। कहाँ गई फिर जिन्नी? अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दिया, जल्दी आ जाएगी। पर आप कहाँ हो? बस 2 मिनट में घर पहुँचने वाला हूँ। जल्दी आओ, हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ, आ रहा हूँ। मम्मा जिन्नी दीदी कब आएंगी? बेटा आएगी, जल्दी आएगी। हाँ रमेश, लेकिन ये लड़की जा कहाँ सकती है बिना बताए? चल ठीक है, तू भी ढूंढ और मुझे बता फिर, ठीक है ना? ठीक है। अरे जिनी की फोटो मेन वॉल पे कैसे? यहाँ तो मेरी फोटो होनी चाहिए, घर का सबसे बड़ा सदस्य मैं हूँ। चलो मैं इसको अभी बदलता हूँ, लेकिन पहले फोटो तो लानी पड़ेगी। ये लग रही है ना फोटो? अब लग रही है मेरी फोटो। अरे यार मैं इस फोटो के अंदर कैसे आ गया? बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे जिनी तू आ गई, अभी तो तू घर पे नहीं थी, कहाँ चली गई थी तू? ओह माय गॉड, ये रहस्यमय तस्वीर है, इसके अंदर जो भी आता है वो गायब हो जाता है। बच्चों मुझे कोई सुन रहा है? बच्चों, ध्वनि पापा ने बोला था 2 मिनट में आ रहे हैं, आए नहीं है, चल देखते हैं पापा कहाँ रह गए, कहाँ रह गए पापा, पापा भी नहीं है।
अरे जिन्नी, जिन्नी आ गई। जिन्नी क्या हुआ जिन्नी को? ध्वनि है तो बेहोश पड़ी हुई है, क्या हुआ इसको? पर ध्वनि से हुआ क्या, ये ऐसे क्यों लेटी हुई है? पर चल ध्वनि, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा वापस तो आ गया। पर इसे उठाने की कोशिश करते हैं, इसके पैर वैर दबाती हूँ। क्या हुआ जिन्नी को? मम्मा के पापा क्यों नहीं आए अब तक? ध्वनि बेटा मैं इधर हूँ, इधर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। समझ नहीं आता ये पापा कहाँ रह गए। पहले जिन्नी गायब थी तो पापा थे, अब पापा गायब है तो जिन्नी मिल गई। क्या हो रहा है घर में? पता ही नहीं क्या हो रहा है। मैं इधर हूँ, मुझे बाहर निकालो, जल्दी से निकालो मुझे बाहर यहाँ से। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। मम्मी मम्मी मैं कबीरा अंकल दीदी को यहाँ पे छोड़ के पापा को तो नहीं ले गए इस चीजों पर मैं? तू चुप कर, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं एक तो कहाँ चले गए और अपनी सड़ी सी फोटो यहाँ पे लगा के चले गए। इसमें मैं अच्छी सी फोटो लगाऊंगी, इसको हटाऊं यहाँ से ना, ये सैड सैड सी फोटो मुझे नहीं अच्छी लग रही।